मैं हूं चित्रांशी। और दोस्तों एक कॉर्ड लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि जैसे डी ओवर एफ शार्प या डी स्लैश एफ शार्प, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको एफ शार्प नोट पहले बजाने हैं। और ये एफ शार्प नोट आता कहां से है, आप अगर डी कॉर्ड पकड़िए तो उसमें नोट देखिए रूट प्लस थ्री प्लस फाइव पर कौन से आते हैं, डी एफ शार्प ए। तो अब अगर एफ शार्प आपका डी स्लैश एफ शार्प लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एफ शार्प नोट आपको पहले बजाना है, उसके बाद डी कॉर्ड को बजाना है। तो ये डी, इसी तरह किसी का भी आप करेंगे जैसे ई स्लैश जी शार्प, तो ई में ई जी शार्प बी से बनता है, तो जी शार्प आप पहले बजाएंगे उसके बाद ई मेजर का कॉर्ड बजाएंगे। अब लाइक सी स्लैश जी, तो अब इस जी नोट को आप पहले बजाएंगे, अगर इसको हमने हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, सी ओवर ई। तो कुल मिला के इस कॉर्ड में कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, केवल जो नोट आपका स्लैश के बाद लिखा हुआ है या ओवर के बाद लिखा हुआ है उसको आपको पहले बजाना है। उम्मीद करते हैं ये स्लैश का या ओवर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है। मेरे चैनल का नाम है साउंड ऑफ प्लेटफॉर्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।